शिवम छाबड़ा, अविश्वास प्रस्ताव गिरना था ये तय था, प्रधानमंत्री बेहद आक्रामक होंगे, इस मंच का बखूबी इस्तेमाल करेंगे ये भी लगभग तय ही था अपने ही अंदाज में, कि जिस तरह से कल उन्होंने जवाब दिया। लेकिन क्या इस बीच आप मान रहे हैं कि मणिपुर पर जो तमाम सवाल थे, जिस पर सिर्फ विपक्ष की ही निगाहें नहीं थी, मणिपुर की जनता की भी निगाहें थी, क्या उन सवालों का जवाब उन्हें मिला? जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था वो सरकार के मंत्रिमंडल के खिलाफ आया था और जिस पे सरकार अपना रिस्पांस दे रही थी। भैया कल्पना करिए, पक्ष या विपक्ष दोनों अपने अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से सदन के पटल पर उन्होंने भरपूर बात रखी। और ये भी देखना योग्य है कि गौरव गोगोई साहब ने जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए थे तो केवल मणिपुर का विषय उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने देश में हो रहे अलग अलग विषयों पर अपनी बात कही और ऐसे ही सभी विपक्ष के और पक्ष के प्रवक्ताओं ने अपने अपने जवाब दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि जब जिस व्यक्ति को सुनना चाह रहे थे, सो कॉल्ड जिसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, जब उन्होंने बोलना शुरू किया और बोलने के बाद अपनी बात कहने लगे तो आपने बीच में उठ करके वॉकआउट कर गए। क्या ये संसदीय प्रणाली का अपमान नहीं है? क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस मामले में लेकर के आए थे, जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था, जब आपका धैर्यपूर्वक जवाब हर विषय पर सुना गया, आपकी बात सुनी गई, देश के विभिन्न मंत्रियों ने, विभिन्न नेताओं ने, विभिन्न सांसदों ने अपनी बात रखी, जब उसको सुना गया, उसका रिस्पॉन्स दिया गया, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता था कि आप पूरे जवाब को सुने? आप में इतना धैर्य क्यों आया कि आप उठ करके वहां से चले गए? दूसरी बात, अभी आपने कही कि मणिपुर का विषय, पूजा जी परसों गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत इलैबोरेटिवली मणिपुर की स्थिति पर अपना पूरा वक्तव्य रखा। उन्होंने ये भी बताया कि उसका रूट कॉज क्या था। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में कह रहा हूँ, हमारी सरकार पूर्ण रूप से इस देश के लिए, मणिपुर की स्थिति के लिए बहुत जिम्मेदाराना काम कर रही है और लगातार वहां पर पीस प्रिवेल हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमने कहीं भी अपनी जिम्मेदारी से हटने का, भागने का प्रयास नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्ष ने इस काम को बखूबी निभाया, पूरा सत्र निकल गया उनकी गैर जिम्मेदाराना तरीके से। उन्होंने पूरे सत्र के मणिपुर में कोई चर्चा नहीं करी और लगातार इसको डक करते रहे क्वेश्चन को। हर बार बोलते हैं कि साहब डिस्कशन चाहते हैं मणिपुर पे, लेकिन डिस्कशन पे बैठते नहीं थे। हमने ये एक बार नहीं, सत्ता पक्ष ने तो बार बार कहा कि आप आइए बैठिए चर्चा कीजिए, लेकिन उनका चर्चा का मूड नहीं था, केवल हंगामा करने का ही उनका मकसद था और रहा। और रही बात, जवाब ले लेती हूँ मैं।